भारत के झारखंड राज्य में स्थित एक जिला हजारीबाग। हजारीबाग झारखंड का एक प्रमुख जिला है। हजारीबाग झारखंड की राजधानी रांची से करीब 93 किलोमीटर की दूरी पे है। हजारीबाग से NH-33 गुजरता है। हजारीबाग में आप सड़क माध्यम से जा सकते हैं। हजारीबाग घने जंगलों और पहाड़ों से घिरा हुआ बहुत ही सुंदर स्थान है। दोस्तों, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर हमेशा के लिए अपना बना लीजिए। तो फिर स्टार्ट करते हैं आज का इंटरेस्टिंग, मैजिक और नॉलेजफुल वीडियो। दोस्तों, जिले में कुल 16 तहसीलें हैं। दोस्तों, जिले के उत्तर में रामगढ़, बोकारो और रांची है, पूर्व में गिरिडीह, जबकि दक्षिण में कोडरमा, इसके साथ पश्चिम में चतरा है। दोस्तों, जिले के कुल क्षेत्रफल की बात की जाए तो 4,313 किलोमीटर स्क्वायर है। वहीं कुल जनसंख्या की बात की जाए जो कि 2011 के हिसाब से तो 17,34,005 है। वहीं साक्षरता की बात की जाए तो 70.04% है और लिंगानुपात 946 है। दोस्तों, यहाँ पर विनोबा भावे विश्वविद्यालय है, इसके साथ आक्सेट विश्वविद्यालय भी है। दोस्तों, बात करते हैं हजारीबाग के प्रमुख पर्यटन स्थल और मंदिरों की। नंबर वन पे आता है शहीद निर्मल महतो पार्क हजारीबाग। हजारीबाग निर्मल महतो पार्क हजारीबाग जिले का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। ये पार्क मुख्य शहर में स्थित है। ये पार्क बहुत बड़ा और बहुत सुंदर है। इस पार्क में जुरासिक टाइम के डायनासोर के स्टैचू देखने को मिलते हैं। ये डायनासोर के स्टैचू बहुत ही सुंदर लगते हैं। वो अलग अलग प्रकार से बनाए भी गए हैं। पार्क में आपको रोज गार्डन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के रोज देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ पर सुबह और शाम के समय बहुत सारे लोग घूमने आते हैं। इस पार्क में आपको झील भी देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर बहुत सारे फूलों वाले पौधे लगाए गए हैं। पार्क में बहुत सारे झूले देखने को मिलेंगे। यहाँ पर मछली घर बनाया गया है जहाँ विभिन्न प्रकार की मछलियों को रखा गया है। यहाँ पर आपको बहुत सारी फ्रीडम फाइटर की मूर्तियाँ भी देखने को मिलेगी। पार्क में फव्वारे भी लगे हुए हैं। पार्क में एंट्री के लिए शुल्क लिया जाता है। अगली जो जगह है इसे स्वर्ण जयंती पार्क हजारीबाग के नाम से जाना जाता है। स्वर्ण जयंती पार्क हजारीबाग का प्रमुख दर्शनीय स्थल है। ये पार्क हजारीबाग में सर्किट हाउस के पास बना हुआ है। ये पार्क बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है। ये पार्क बहुत सुंदर है। इस पार्क में एंट्री के लिए शुल्क लिया जाता है। यहाँ पर आपको बहुत सारी एक्टिविटी देखने को मिल सकती है, साथ ही आप इसका आनंद भी उठा सकते हैं। यहाँ पर बोटिंग की जा सकती है, बच्चों के लिए यहाँ टॉय ट्रेन भी है और यहाँ पर स्लाइड भी है। बच्चे काफी पसंद करते हैं। यहाँ पर आप आकर अच्छा समय बिता सकते हैं। इस पार्क में आपको एक झील भी देखने को मिल जाएगी और पार्क के अंदर फूड जोन भी अवेलेबल है। अगला जो स्थान है इसे कैनरी हिल हजारीबाग के नाम से जाना जाता है। कैनरी हिल हजारीबाग का एक प्रमुख दर्शनीय स्थल है। ये हजारीबाग से करीब 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस पहाड़ी पर आपको पहुंचने के बाद ट्रैकिंग करनी पड़ती है। पहाड़ी पर पहुंचने के लिए 500 सीढ़ियां हैं। 500 सीढ़ियों से चढ़कर आप पहाड़ी की चोटी पर पहुंच जाते हैं। पहाड़ी की चोटी में छोटी सी इमारत भी बनाई गई है। यहाँ पर छांव में आराम कर सकते हैं। पहाड़ी के चारों ओर सुंदर दृश्य देखने को मिलता है जो बहुत ही सुंदर लगता है। यहाँ पर आपको चारों तरफ से हरियाली का सुहावना दृश्य देखने को मिलेगा। इसके साथ ही आपको पहाड़ी पर ट्रैकिंग करते करते थकान जरूर महसूस होगी, मगर आपको मजा भी बहुत आएगा। यहाँ पर आप जाते हैं तो पानी वगैरह लेकर जरूर जाएं। पहाड़ी के नीचे की तरफ तलहटी में वन विभाग का गेस्ट हाउस भी बना हुआ है। यहाँ पर आप झील का आनंद भी उठा सकते हैं। अगला जो स्थान इसे जबरा पार्क हजारीबाग के नाम से जाना जाता है। जबरा पार्क हजारीबाग का एक मुख्य घूमने वाला स्थान है। यह पार्क मुख्य हजारीबाग में ही स्थित है। ये पार्क बहुत बड़ा है और यहाँ पर बहुत सारे पौधे देखने को मिलते हैं। यहाँ पर डायनासोर की बहुत सारी मूर्तियाँ भी बनाई गई हैं। यहाँ पर आपको सुपर हीरो की मूर्तियाँ भी देखने को मिलती हैं। यहाँ पर बच्चों के लिए बहुत सारे झूले लगे हैं। यहाँ पर नव निर्मित पार्क में एंट्री शुल्क लिया जाता है। अगला जो स्थान है इसे महावीर स्थान हजारीबाग के नाम से जाना जाता है। महावीर स्थान हजारीबाग
में स्थित मुख्य स्थल है। ये धार्मिक स्थल है, यहाँ पर आपको श्री राम जी, हनुमान जी, शंकर जी के दर्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आकर आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये मंदिर बहुत अच्छी ढंग से बनाया गया है और घूमने की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अगला जो स्थान है, इसे अमरधारा जलप्रपात के नाम से जाना जाता है। अमरधारा वाटरफॉल हजारीबाग का एक प्रमुख वाटरफॉल है। ये वाटरफॉल हजारीबाग में मोटरा गांव में स्थित है। आप इस जलप्रपात में घूमने के लिए आ सकते हैं। ये जलप्रपात बहुत खूबसूरत है और यहाँ पर एक साथ आपको तीन जलप्रपात देखने को मिलते हैं जो बहुत ही आकर्षक लगते हैं। जलप्रपात घने जंगल के अंदर स्थित है। आप इस जलप्रपात में अपने दोपहिया वाहन से पहुँच सकते हैं। इस जलप्रपात में आकर नहाने का अलग ही मजा है। यहाँ मुख्य रूप से बरसात के मौसम में आपको बहुत ही मजा आने वाला है। अगला जो स्थान है, इसे छड़वा बांध हजारीबाग के नाम से जाना जाता है। छड़वा बांध हजारीबाग जिले का मुख्य स्थल है। ये बांध हजारीबाग जिले में छड़वा नाम के गांव पर बना हुआ है। ये बांध बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ है और जब बांध में पानी पूरी तरह भर जाता है तब अपने ओवरफ्लो से बहता है, जो कि बहुत ज़बरदस्त लगता है। यहाँ पर बांध के पास में एक मंदिर देखने को मिलता है। ये मंदिर काली माँ को समर्पित है। ये मंदिर बहुत सुंदर तरीके से बनाया गया है। मंदिर के गर्भगृह में काली माता के दर्शन मिलते हैं। यहाँ पर आकर आप माँ के दर्शन कर सकते हैं, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और ये जगह बहुत ही ज़्यादा आकर्षक है, जो कि मंदिर शिखर पर बना हुआ है। अगला जो स्थान, इसे बाघमारा डैम हजारीबाग के नाम से जाना जाता है। बाघमारा बांध हजारीबाग जिले का एक प्राकृतिक पर्यटन स्थल है। ये बांध चारों तरफ से घने जंगलों से घिरा हुआ है। ये बांध हजारीबाग वन्य जीव अभयारण्य में स्थित है। ये बांध बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है। यहाँ पर आकर आप पिकनिक मना सकते हैं। यहाँ पर आके आपको सुंदर नज़ारा देखने को मिलता है। शाम के समय बांध का दृश्य बहुत ही खूबसूरत रहता है। ये बांध हजारीबाग में करीब 17 किलोमीटर दूरी पर जीव प्राणी अभयारण्य में स्थित है। बरसात में यहाँ आकर आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि बरसात में पानी ओवरफ्लो होकर बहता है, जिसका दृश्य देखने लायक होता है। दोस्तों, अगला जो स्थान है, इसे लुटवा वाटरफॉल के नाम से जाना जाता है। ये पर्यटन की दृष्टि से बहुत ही खूबसूरत जगह है। ये जलप्रपात लुटवा डैम से थोड़ा आगे स्थित है। यहाँ पर आपको चारों तरफ खदान देखने को मिलेगी। ये बहुत ही सुंदर लगती है और जलप्रपात सीजनल है, तो आप यहाँ बरसात के समय में घूमने आएंगे तभी आपको जलप्रपात देखने को मिलेगा। यहाँ आकर आपको सुंदर दृश्य देखने को मिलता है। अगला जो स्थान, इसे हजारीबाग वन्य जीव आश्रणी के नाम से जाना जाता है, यानी कि हजारीबाग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। हजारीबाग वन्य जीव आश्रणी हजारीबाग जिले का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। हजारीबाग में घूमने वाली प्रमुख जगह है। आप यहाँ पर घूमने के लिए आ सकते हैं। आपको यहाँ पर घना जंगल देखने को मिलेगा। जंगल में मुख्य रूप से साल के वृक्ष पाए जाते हैं। यहाँ पर और भी सारे कई वृक्ष देखने को मिलते हैं। जंगल में आपको बहुत सारे जंगली जानवर देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर जंगली सुअर, भालू, लकड़बग्घा, लोमड़ी, गीदड़, नेवला, बंदर, चीतल, सांभर आदि देखने को मिल जाएंगे। इस जगह में तेंदुए की उपस्थिति के भी कुछ प्रमाण मिलते हैं। यहाँ पर हाथियों का झुंड घूमते फिरते पहुँच जाता है और कुछ दिन घूमकर चला आता है। यहाँ पर आपको अजगर, नाग, धामन और बहुत सारे प्रकार के सांप भी देखने को मिल सकते हैं। ये जगह पक्षियों के लिए भी एक आश्रय स्थली है। यहाँ पर बहुत सारे पक्षी भी देखने को मिल जाते हैं। बरसात के टाइम में यहाँ पर वाटरफॉल भी देखने को मिलता है। यहाँ पर डैम भी बना हुआ है। हजारीबाग वन्य जीव आश्रणी बहुत ही सुंदर है और यहाँ पर आकर आपको बहुत अच्छा लगेगा। अभयारण्य में प्रवेश करने के लिए टिकट लगता है। अगला जो स्थान है, इसे बुढ़िया माता मंदिर हजारीबाग के नाम से जाना जाता है। बुढ़िया माता मंदिर हजारीबाग का एक प्रमुख मंदिर है। ये मंदिर हजारीबाग जिले में इच्चक में स्थित है। आप इस मंदिर में घूमने के लिए आ सकते हैं। यहाँ पर आपको बुढ़िया माता के दर्शन करने को मिल जाएंगे। ये मंदिर बहुत पुराना है और मंदिर में माता की प्रतिमा भी प्राचीन है। ये मंदिर हजारीबाग मुख्य शहर से करीब 15 किलोमीटर दूरी पे है। यहाँ पर आपको बहुत सारे लोग माता के दर्शन के लिए
मिल जाएंगे। कहा जाता है कि यहाँ पर आकर आपकी मनोकामना पूरी हो जाती है। लोगों के लिए ये जगह आस्था का मुख्य केंद्र है। अगला जो स्थान, इसे पद्मा किला हजारीबाग के नाम से जाना जाता है। पद्मा किला हजारीबाग जिले का एक ऐतिहासिक पर्यटन स्थल है। पद्मा किला हजारीबाग से करीब 22 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। ये किला राजा राम नारायण सिंह के वंशजों का एक ऐतिहासिक किला है। इस किले में अच्छी तरह से आपको घूमने में बहुत ही मजा आने वाला है। ये किला धीरे धीरे नष्ट हो रहा है, मगर ये किला बहुत सुंदर है। इस किले की दीवारें, खिड़कियां और प्रवेश द्वार बहुत ही आकर्षक है। इस किले को आप देखने के लिए आ सकते हैं। किले के आसपास भी छोटी छोटी स्मारक बने हुए हैं जो आप देख सकते हैं, जो देखने में बहुत ही अद्भुत लगते हैं। अगला जो स्थान, इसे सूरज कुंड धाम हजारीबाग के नाम से जाना जाता है। सूरज कुंड धाम हजारीबाग का एक प्रमुख धार्मिक स्थल है। यहाँ पर आपको गर्म पानी का कुंड देखने को मिलता है। ये जगह हजारीबाग जिले में बरकटा ब्लॉक में स्थित है। ये हजारीबाग से करीब 72 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ मुख्य हाईवे सड़क से कुछ ही दूरी पर स्थित है। यहाँ पर आसानी से पहुँचा जा सकता है। यहाँ पर आपको गर्म पानी के दो स्रोत देखने को मिल जाएंगे। ये पानी सल्फर युक्त रहता है और इससे त्वचा रोग ठीक होता है। इन कुंडों को सूर्य कुंड, लक्ष्मण कुंड, ब्रह्मकुंड, रामकुंड और सीता कुंड के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर आपको मंदिर देखने को मिलता है जो प्राचीन है। यहाँ पर दुर्गा जी का मंदिर बना हुआ है। सूरज कुंड धाम में मकर संक्रांति के समय बहुत विशाल मेला लगता है। ये मेला 2 हफ्तों का रहता है। मेले में तरह तरह की दुकानें और झूले लगाए जाते हैं। यहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट लोग घूमने के लिए आते हैं। इस जगह पर नहाने की व्यवस्था भी की गई है। यहाँ से थोड़ी दूर पर नदी बहती है जिसका दृश्य देखने लायक होता है। ये जगह बहुत सुंदर है और नदी पहाड़ से घिरी हुई है। यहाँ पर आकर आपको बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ लेडीज के लिए अलग से कपड़े बदलने की चेंजिंग रूम भी है। यहाँ एंजॉय